आपने उनके चेहरे ठीक से तो देखे हों। क्या आपको लगता है, मेरा मतलब, आपने उनको पहले कभी देखा या उन्होंने कोई ऐसी बात या कोई ऐसा नाम लिया जिसे हमें क्रिमिनल्स तक पहुंचने में मदद मिले? देखिए, आप मेरे पति को बुला देंगे प्लीज? क्यों नहीं, मेरे सवालों का जवाब दे दो, बुला दूंगा। देखिए, आप पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई लगती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपके ससुर की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी आपके पति की? देखिए, मेरे पति जर्नलिस्ट हैं, जानता हूं। कहीं आपके जर्नलिस्ट पति किसी के खिलाफ कोई जंग तो नहीं लड़ रहे? और उन्होंने ही आपसे बदला लेने के लिए, वैसे मैंने देखा है आपके पति को सचमुच काफी गुस्से वाले हैं। देखिए, आप इस तरह चुप रहकर मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप जब तक मेरे पति को नहीं बुलाएंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने सोचा था कोई तो ऐसी बात बताएगी जो अपने काम आएगी, उस कलम के सिपाही को सीधा करने के लिए, लेकिन ये तो मुंह से कुछ फूट ही नहीं रहे, बहुत चालाक है। सर, मुझे लगता है हमें इसे घर पे फोन करना पड़ेगा। हाँ, फोन तो करना पड़ेगा। हेलो। हेलो शेखर साहब, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या बात है? आपकी बीवी मिल गई। वो ठीक तो है ना? आप घबराइए नहीं, अब जल्दी से एमके हॉस्पिटल में आ जाइए। मैं भी पहुंचता हूँ। क्या हुआ शेखर जी? हम मिल गई है। अरे मेहंदी में ना हार्ट बना देना और हार्ट पे हर्ष लिख देना। बाबा ये लो, शेखर आ गए, इसी से पूछ लो। अरे शेखर भैया, आप घर पर ही हो? भाई हमें तो पता ही नहीं था। अब आप आ ही गए हो तो आप मुझे बताइए कि मेहंदी का रंग गहरा आने से पति के प्यार का कोई रिलेशन है क्या? बाबा एक मिनट। बाबा जी मिल गई है। कहाँ है? मैम के हॉस्पिटल में है, पुलिस भी वहाँ है। टप्पू, लगता है जिया की बात हो रही है। कुछ भी सुनती रहती हूँ मम्मी। देखो ना मेहंदी का डिजाइन, मैं भी करवा चौथ पर ऐसी लगाऊंगी। देख तो सही, शेखर को देख, देख देख कैसे मुस्कुरा रहा है। हम फौरन वहाँ चले जाओ बेटे, सवर तुम भी साथ में चले जाना, और शेखर जैसे जिया से मिलो ना मुझे फौरन फोन कर देना। जी बाबा। जीजू मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटे, पुलिस है वहाँ पर, तुम इस वक्त वहाँ मत जाओ, इन दोनों को जाने दो। वार्ड नंबर 6 किधर होगी? अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करेंगे तो बस। जिया, जिया, आई लव यू जिया, आई लव यू जिया, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। जिया तुम रो मत, तुम रो मत जिया, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें जिया, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, एक एक को ढूंढ निकालूंगा, सजा दिलवाऊंगा। यही तो हम कह रहे हैं इनसे, लेकिन ये मानती ही नहीं।
चंद सवाल थे, अगर उनका जवाब मिल जाते तो। तिवारी जी, कुछ कमी रह गई हो तो कैसी बात कर रहे हो? एक घर है, कमी कैसी? लेकिन हमें मजा नहीं आया अंकल। ऐसा लग रहा था मानो सेरेमनी करने के लिए की जा रही है। आधे लोग तो गायब थे। शेखर भैया तो नहीं के बराबर थे, और फिर समर भैया कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। और सबसे बढ़कर जिया भाभी तो थी ही नहीं। अरे टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बाय गॉड आज तो सिर्फ ट्रेलर था, कल पूरी फिल्म देखिएगा, कोई भी कसर नहीं रहेगी बाय गॉड। क्यों भाई साहब? इसी बात की तो टेंशन है ना बुआ जी, जब ट्रेलर में ही कोई जान नहीं है तो फिल्म का क्या होगा बाय गॉड। चुप करो, जो मुंह में आप आके जा रही हो। माफ कीजिएगा, बच्चों का बुरा मत मानिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, जाओ गाड़ी में बैठो, तुम भी जाओ। पांडे जी, वैसे एक बात मैं भी पूछना चाहता था। सब ठीक है ना? शेखर समर भी बीच में ही चले गए। जी वो शादी की तैयारियों में लग गए हैं। तिवारी जी, हम लोग लड़की वाले हैं, अगर कहीं भूलचूक हो गई तो भगवान करे सब कुछ ठीक हो। पर कोई भी बात हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, विदाउट एनी हेजिटेशन हमें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, चलता हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाभी, ये मेहंदी की रस्म ठीक ठाक निपट गई बाय गॉड। डर के मारी मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। पर शेखर और समर गए कहां? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं, अभी इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये सवाल आता बाद ही में पूछिएगा। लेकिन सवाल बहुत जरूरी थे। देखिए डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, मैं भी जिया को घर लेके जा रहा हूँ। हाँ यही ठीक होगा। वैसे मिस्टर शेखर, आपसे एक बात कहनी थी। दरअसल ऐसे केसेस में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो आपकी इजाजत के बगैर हम कर नहीं सकते। टेस्ट? कैसे टेस्ट? नहीं, हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, हम जिया को घर लेके जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपकी कोई कानूनी कार्रवाई, आपको कहीं सिग्नेचर चाहिए हो तो? जैसा आप कहें वैसा कर देते हैं हुजूर। अब तक वही तो हो रहा है, आप जब चाहें हमें ड्यूटी पर झाड़ दें, बता दें कि हमें अपना काम ठीक तरह से करना नहीं आता। पॉलिटिकल प्रेशर डलवाकर हमें जलील करोगे, नौकरी से निकलवाने की धमकी दोगे, और जब पुलिस तुम्हें बचा देगी तो एक साइन करके चल दोगे। शेखर तुम जिया को लेके चलो, गाड़ी में बिठाओ, मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। चलो जिया, सब घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन जिया। सवाल आप पिछले एक घंटे में 10 बार पूछ चुकी है, जब आएंगे तो दिखेंगे ना। अरे तुम क्यों इतना चिल्ला रहे? उनको जिया की चिंता हो रही है, और अगर बार बार पूछ भी लिया तो क्या हो गया? शुक्र है किसी को तो उनकी फिकर है। जिया की फिकर हम सबको है बाय गॉड। ओह रियली? इसलिए दीदी के किडनैप होने की खुशी में यहाँ मेहंदी की रस्म हो रही थी। मुझे तो लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दीदी यहाँ है या नहीं। माँ जब दीदी आ जाए तब हम उन्हें सीधे अपने घर ले चलेंगे। प्रिया यही तो घर है उसका, और रस्में तो निभानी पड़ेंगी ना। बहन जी क्या है ना, प्रिया बहुत ज्यादा प्यार करती है जिया से, इसलिए ये सब कह रही है। जिया से प्यार करती है तो क्या कुछ भी कहेगी? हम लोग क्या जिया से प्यार नहीं करते? आप ही मुझे बताइए, आरुषि की रस्म को हम टाल देते क्या? नहीं ना, सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? अरे बस भी करो, तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग।
प्रिया तो खैर बच्ची है ही है, लेकिन तुम भी, ये वक्त है इन बातों का? अगर सबसे पहले कोई हमारी टीम में आएगा ना, तो वो है तेरी सास। टीम में? हम कोई खेल खेल रहे हैं? खेल ही तो खेल रहे हैं, लेकिन डब्बू इस खेल में जीत हमेशा हमारी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसमें हमें गोल करने हैं या रन बनाने हैं? रन बनाने होंगे, और सबसे पहले दुश्मन टीम का जो सबसे कमजोर खिलाड़ी है ना, उसे निशाना बनाना होगा। कौन है कमजोर खिलाड़ी? तेरी सास। सास? मम्मी, मैं सास को निशाना नहीं बनाऊंगी, उन्हें चोट वोट लग गई तो सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। चुप टपो। अरे तेरी सास बड़ी इमोशनल है, खुश भी जल्दी होती है और गुस्सा भी जल्दी हो जाती है। उसे अपने बस में करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक पुलिस इंस्पेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के दुख को या किसी की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही ना करें। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि किसी पर बेकार में कमेंट ना कसे, या इतना भी आपसे नहीं होगा? चलिए बताइए, कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है? देखिए बाबा जी, आ गई है। दीदी, दीदी अब ठीक तो है ना? Are you okay? जिया? जिया चाची, अब कहाँ थी? अरे पता है, किसी को ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है। अरे वो सब तो छोड़ो, यहाँ घर के बाकी लोग कितनी टेंशन में थे, तुम कहाँ रह गई थी? देवयानी, सुरभि को ले जाओ। कहाँ? कहीं भी, अपने कमरे में, उसके कमरे में ले जाओ। मुझे जिया से बात करनी है। मुझे भी करनी है। और मुझे जो सुननी है, मतलब करनी है मुझे भी। देवयानी, बाय गॉड ले जाओ। चल सुरभि, अपन लोग बाद में जिया चाची से बात करेंगे। चल जिया, तुम ठीक हो ना? ये क्या हो गया जिया? एक मिनट रुक, मैंने उसे अंदर तो आने दो। आ बेटा, पानी ले आओ। तू ठीक तो है ना बेटा? वो लोग तुम्हें लेके कहाँ गए थे? हुआ क्या था? तुम वहां से कैसे बच निकली? दीदी आई ओके? कौन लोग थे वे? भाभी आप ठीक है ना? बस बस बस, एक मिनट। बेटे जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, इसे आराम की जरूरत है इस वक्त। वैशाली, जिया के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। जाओ बेटे। शेखर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या हो रहा था ये सब कुछ? ऐसे सवाल उसे पूछे जा रहे थे जैसे वो अपने घर में नहीं पुलिस स्टेशन में आई हो। उसके मन की हालत तो देखते जा, कितने बुरे हालात से गुजरी हुई है। यहाँ सब तैयार बैठे, डॉक्टर ने कहा है ना कि जिया से कोई पूछताछ नहीं करेगा, तो आप में से कोई भी जिया से एक भी सवाल नहीं करेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक ठाक है, बट इनका सामना हम लोग कैसे करते? अब कोई भी उसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा। एक बुरा सपना था
बीत गया, बस बात खत्म। बहन जी, मुझे लगता है कि आप जिया को अकेला छोड़ दें इस वक्त। आप बिल्कुल चिंता मत करें, प्लीज। आप सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाइए। बेटा जा। कैसी है वो? ठीक नहीं है पापा, रास्ते भर उसने कुछ बात नहीं की। जानता हूं मैं बेटे, बहुत डरी हुई है, उसे अपने घर में डर नहीं लगना चाहिए। अब घबराइए मत, She's a brave girl. मुझे मालूम है बेटे, लेकिन ऐसे हालात में अच्छे अच्छों के हौसले टूट जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम बाकी चीजों की फिक्र मत करो, उसके लिए हम सब हैं। इस वक्त तुम सिर्फ जिया के पास रहो, उसे एक पल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम लोग उसका साथ नहीं दे रहे, उसका परिवार उसका साथ नहीं। जा बेटा, जिया के साथ रहो, उसे पुरानी जिया बनने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। Come on!